मुंबई के डोंगरी में मौत की इमारत से मातम की गूंज थम नहीं रही। एक दिन पहले यहां 100 साल पुरानी इमारत गिर गई थी और आपको बता दें कि आज मरने वालों का आंकड़ा पहुंच गया है 14 तक। कुछ लोग मलबे से निकाले गए हैं और कुछ के अभी भी फंसे होने की आशंका है। इमारत को लेकर बीएमसी माढ़ा आमने सामने आ चुके हैं, लेकिन सवाल फिर से यही है कि क्या हर साल बारिश में ऐसे ही मुंबई में इमारतों को गिरता हुआ हम देखते रहेंगे और लोगों की ऐसे ही जान जाती रहेगी। इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ हमारे संवाददाता पंकज उपाध्याय जुड़ गए हैं। पंकज, अभी क्या जानकारी है, क्योंकि कहा जा रहा है सकरी गलियां होने की वजह से रेस्क्यू में बहुत ज्यादा मुश्किलें आ रही हैं। जी हाँ, मरने वालों की संख्या 14 तक पहुंच गई है, ये फिगर एनडीआरएफ ने फिलहाल दिया है। फायर ब्रिगेड हालांकि अभी भी 12 बता रहा है संख्या, लेकिन इस वक्त मुंबई में तेज बारिश शुरू हो गई है जिसकी वजह से रेस्क्यू ऑपरेशंस अब थोड़े हैम्पर जरूर हो जाएंगे। फायर ब्रिगेड का कहना है सुबह सवेरे 2 बच्चों को निकाला गया, सेफ रेस्क्यू कर लिया गया है, लेकिन अभी भी उनको लगता है 3 से 4 ऐसे लोग हो सकते हैं जो अभी भी डेब्री के अंदर हो सकते हैं। करीब 9 लोग ऐसे हैं जिनका आसपास के अस्पतालों में इलाज चल रहा है, सीरियस इंजरीज हैं उनको, लेकिन अभी भी जब ये सारी एक्टिविटीज चल रही हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, तो बीएमसी और माढ़ा के बीच में ब्लेम गेम जो है वो अभी भी खत्म नहीं हुआ है। महत्वपूर्ण जानकारी ये निकली कल शाम तक कि ये जो बिल्डिंग नीचे गिरी है ये तो पहले से ही एक इलीगल स्ट्रक्चर था, लेकिन हैरानी की बात है अगर ग्राउंड फ्लोर और प्लस 3 स्टोरी बिल्डिंग अगर यहाँ डोंगरी के बिजी इलाके में आ जाती है तो बीएमसी को इस बारे में भनक कैसे नहीं थी। फिलहाल ब्लेम गेम जैसा कि मैंने कहा कि शुरू हो गया है, लेकिन खतरा तो ये भी है कि आसपास जितनी कई ऐसी इमारतें हैं जिसमें बड़े बड़े क्रैक्स हैं वो कब खाली कराई जाएंगी, उनका डिमोलिशन कब होगा, ये देखने वाली बात है। बिल्कुल पंकज, समझ सकते हैं तस्वीरें अभी भी हम देख रहे हैं, वाकई में बहुत परेशान करने वाली खबर कि 14 तक मरने वालों का आंकड़ा पहुंच चुका है। क्या ये साफ किया गया है कि इस पूरे रेस्क्यू को खत्म करने में कितना समय लगेगा, क्योंकि आसपास के लोग लगातार ये दावा कर रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी भी दबे हुए हैं मलबे में। देखिए, डोंगरी का ये बहुत ही कंजेस्टेड मार्केट प्लेस है, कल भी फायर ब्रिगेड की टीम को आने में, एनडीआरएफ की टीम को आने में अच्छी खासी मशक्कत करनी पड़ी थी। एक बार गली से अंदर आ जाया जाए फिर भी कम से कम 40 से 50 मीटर अंदर आपको पैदल चल के जाना पड़ता है, जहां पर रेस्क्यू ऑपरेशंस बहुत हैम्पर हो रहे हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया, जो एक्चुअल इलीगल स्ट्रक्चर जो नीचे गिरा था उसके आसपास की 3 या 4 ऐसी बिल्डिंग हैं जो बहुत ही जर्जर हालत में हैं, बड़े बड़े क्रैक्स डेवलप हो गए हैं, वो भी गिर सकती हैं। उनको हालांकि तो अभी तो विकेट करा लिया गया है, लेकिन फायर ब्रिगेड को डर है कि कहीं ये नीचे आ जाएंगी तो फिलहाल जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है वो हैम्पर हो सकता है। रात भर रेस्क्यू ऑपरेशन चला था, पहले जो 2 या 3 फ्लोर थे उनको तो क्लियर कर लिया गया है, लेकिन अभी ग्राउंड फ्लोर जो है वहां से मलबा हटाना बाकी है। सुबह सवेरे 2 बच्चों की जान बचा ली गई है, लेकिन एनडीआरएफ को लगता है अभी भी 3 या 4 ऐसे लोग हो सकते हैं जो डेबरी के अंदर फंसे हो सकते हैं, इसलिए रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी चल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया पंकज इस तमाम जानकारी के लिए, तमाम अपडेट्स के लिए हम आपका रुख करेंगे और उम्मीद यही कर रहे हैं कि इसके बाद मरने वालों का आंकड़ा ये न बढ़े और बहुत ही जल्द ये पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म कर लिया जाए। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।